हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को चैप्टर 2 पढ़ाएंगे। जिस चैप्टर में क्या है, जैसे को तैसा। ठीक है, तो आप लोग भी अपने बुक लेकर के बैठ जाइए, हम आप लोगों को पढ़ाते हैं और आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा। कहानी है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। हम कहानी आप लोगों को सुनाते हैं और आप लोग सुनिएगा। ठीक, कहानी क्या है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। एक जंगल थी और जंगल में कौन रहता था, बूढ़ा शेर रहता था। बुढ़ापे के कारण शेर का शरीर कमजोर हो गया था। बुढ़ापा में क्या होता है, सबका ही शरीर कमजोर हो जाता है। हम लोग की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, हम लोग का पावर कम हो जाता है। जैसे आप लोग, आपके घर में कोई बूढ़े होंगे, आपके बाबा, आपकी दादी, तो आप लोग देखते होंगे कि वो क्या हो गए हैं, थोड़े से वीक हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। तो बुढ़ापे में क्या हो जाता है, थोड़ा शरीर कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो शेर भी कैसा हो गया था, कमजोर हो गया था, जिसके कारण शेर एक शिकारी की गोली का शिकार हो गया। अब क्योंकि वो कमजोर हो गया था तो जोर से भाग नहीं सकता था। एक दिन क्या हुआ, उसे एक शिकारी की गोली लग गई, उसके पैर में शिकारी की गोली लग गई। अब उसके पैर में शिकारी की गोली लग गई, घाव तो थोड़े दिन में भर गया लेकिन वो लंगड़ा हो गया। घाव थोड़े दिन में ठीक हो गया लेकिन क्या हो गया, वो लंगड़ा हो गया, चलने फिरने में लाचार हो गया, वो चल फिर पाता ही नहीं था। इस कारण से वह शिकार पर नहीं कर पाता था। इसके वजह से वो क्या हो गया, वो शिकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो चल नहीं पाता था, कहीं जा नहीं पाता था, वो शिकार नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वो बेचारा भूखा ही रह जाता था। शेर सब कहाँ से खाना खाता है, वो किसी जानवर को मारता है, शिकार करता है तो उसी का मांस खाकर अपना पेट भरता है। क्योंकि वो लंगड़ा हो गया, शिकार नहीं कर पाता था, तो उसको खाना भी नहीं मिलता था, वो भूखा रहता था। अब भूखा, वो कोई भी आदमी कितना दिन भूखा रहेगा, कोई भी जानवर कितना दिन भूखा रहेगा, हर किसी को भोजन की जरूरत होती है। तो कितना दिन वो बेचारा भूखा रहता, वो भूख से मरने लगा। हम लोग भी दो चार दिन भूखे रहेंगे तो कैसा हम लोग का हालत हो जाएगा, तो उसका भी वही हालत हो गया। शेर को दुखी देखकर एक चालाक लोमड़ी उसके पास आई और बोली, महाराज आप इस जंगल के राजा हैं। आप लोमड़ी तो एकदम चालाक होती है, तो शेर को दुखी देकर के लोमड़ी क्या की, चालाक लोमड़ी उसके पास आई और बोली, महाराज आप तो इस जंगल के राजा हैं। अब शेर क्या होता है, जंगल का राजा होता है। आपको आजकल दुखी देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, वो लोमड़ी बोली कि मुझे आपको ऐसे दुखी देखकर के बहुत दुख हो रहा है, अतः मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मुसीबत के समय अपने राजा की सेवा करना अपना धर्म समझकर मैं आपके पास आई हूँ। लोमड़ी क्या बोली, आपको देख करके मुझे दया आती है, क्योंकि आप राजा हैं तो राजा की सेवा करना हम लोगों का धर्म है, इसीलिए मैं आपके पास आपकी सेवा करने आई हूँ। यदि आप वादा करें कि आप मुझे नहीं मारेंगे तो मैं सदा आपकी सेवा करती रहूँगी। बोलती है कि अगर आप मुझे वादा करें कि आप मुझे नहीं मारेंगे, यानी कि लोमड़ी को लगा कि अगर हम उसकी मदद करने जाएंगे तो पता चला वो मुझे मार के खा गया। बोला कि अगर आप मुझे वादा करें कि आप मुझे नहीं मारेंगे तो हम आपकी हमेशा सेवा करती रहूंगी, रोज आपके लिए यहाँ पर यहीं पर शिकार लेके आया करूंगी, आप उसे मार दीजिएगा, खा लिया करिए, आपके खाने के बाद उस शिकार से जो कुछ भी बचेगा मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूंगी। लोमड़ी की ऐसे बातें सुनकर शेर बहुत खुश हो गया। अब वो शेर तो खुश होगा ही, उसको तो खाना नहीं मिल रहा था। उसको कोई बोलता है कि हम आपको, आपके लिए यहाँ पे खाना ला के देंगे, मान लीजिए आप दो चार दिन से भूखे हैं, आपको कोई खाना नहीं दे रहा, अचानक से कोई बताया कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा सा खाना लेके आऊंगी, तो आप कितना खुश होंगे। तो वैसे ही हुआ शेर को, शेर बहुत भूखा था। तो लोमड़ी उसको बोलती है कि हम आपके लिए यहाँ पे शिकार लेके आया करेंगे, आप खा लीजिएगा। तो शेर बहुत खुश हो गया, बोला उसमें से जो कुछ भी बचेगा थोड़ा बहुत वो मैं खा लूंगी। तो एकदम खुश हो गया और खुश होकर के बोला, तुम मेरे बुढ़ापे और लाचारी पर तरस खाकर सहायता करना चाहती हो तो मैं तुम्हें इस एहसान को सदा याद रखूंगा, तुम्हें कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अब शेर बोलता है कि तुम मेरे बुढ़ापे को देख करके मेरी हेल्प करने आई हो तो मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ, मैं इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा, तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब लोमड़ी रोज अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर भोले भाले जानवरों को शेर के पास ले जाने लगी, शेर उसे अपना पेट भरता और बचा खुचा लोमड़ी को मिल जाता। रोज रोज लोमड़ी तो चालाक होती है, किसी न किसी जानवर को अपनी बातों में फंसा लेती थी और शेर के पास लेके आ जाती थी। शेर उसको मार देता था और खा लेता था, थोड़ा बहुत छोड़ देता था तो वो लोमड़ी खा लेती थी। इस प्रकार से दोनों का जीवन सरलतापूर्वक चल रहा था। कुछ दिन बाद जानवरों को लोमड़ी की चालाकी का एहसास हुआ, वे लोमड़ी की इस चालाकी से बहुत दुखी हुई। कुछ दिनों के बाद जानवरों को पता चल गया कि ये लोमड़ी तो हम लोगों के साथ गलत कर रही है, हम लोगों को फंसा करके मार दे रही है और खुद भी खाती है और शेर को भी खिलाती है।
उन्होंने लोमड़ी को उसके किए का फल देने का सोचा। हम वो लोग सोचने लगे कि लोमड़ी जैसा हम लोग के साथ करे, हम भी लोमड़ी के साथ वैसा ही करेंगे। वो जानवर शेर के पास गया, कहा यह जानकर कि आपके पैर में चोट लग गई, हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। जानवर कुछ उसमें से जो कुछ चालाक जानवर थे वो शेर के पास गए, बोले कि महाराज आपके पैर में जो चोट लग गई है ये सुनकर के मुझे बहुत दुख हुआ। इस चोट के कारण आप चलने फिरने में भी मजबूर हैं। बोला अब इस चोट के कारण तो चल फिर भी नहीं सकते हैं, इसीलिए जब तक आपकी चोट ठीक नहीं हो जाती हम लोग खुद ही आपके लिए एक जानवर हर रोज भेज दिया करेंगे। बोला कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हम अपने में से किसी एक ना एक जानवर को रोज रोज भेज दिया करेंगे, साथ ही हम लोग चोट की दवा भी मालूम करके आए, यदि आप इस किसी लोमड़ी का ताजा खून अपने पैर पर मले तो चोट आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी। वो क्या बोला कि हम आपके लिए मतलब एक इलाज लेके आए हैं, दवाई भी लेके आए हैं कि मुझे डॉक्टर ने बताया है कि अगर आपका चोट पे किसी लोमड़ी का ताजा खून आप लगाएंगे तो आपका चोट ठीक हो जाएगा। यह कहकर सभी जानवर चले गए। वो लोग तो जानबूझ के ही बोलने आए थे ताकि वो शेर उस लोमड़ी को मारे, हम लोगों का रास्ते का कांटा खत्म हो जाए। थोड़ी देर के बाद लोमड़ी शिकार फंसा कर शेर के पास ले गई। लोमड़ी को देखते ही शेर ने अपने शिकार को छोड़ दिया और लोमड़ी पर ही टूट पड़ा। जैसे ही लोमड़ी को देखा तो शेर सोचा चलो लोमड़ी के भरोसे कितने दिन बैठे, लोमड़ी को मार के खून लगा लेंगे तो अपना पैर ठीक हो जाएगा, अपने ही बल पे चलेंगे, किसी और की बल पे क्यों रहना। तो जैसे ही लोमड़ी आया वो शिकार को शेर ने देख करके लोमड़ी पे ही झपट गया, उसे मार डाला, उसका खून अपने पैर पे लगा लिया। इस तरह लोमड़ी को उसके किए का फल मिल गया, उसे मारे जाने से बेचारे निर्दोष जानवरों की क्या हो गई, जान बच गई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला बच्चों? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिला कि अपने स्वार्थ के लिए हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई बच्चों, इस चैप्टर में कुछ शब्दार्थ हैं, हम आपको फोटो भेज देंगे, आपके पास बुक हैं अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप ऐड करके ले भी सकते हैं। तो आप शब्दार्थ याद कर लीजिएगा, देन आफ्टर आई विल कॉल यू, आप लोगों को हम फ़ोन करेंगे, आप लोगों से हम बात करेंगे, पूछेंगे कि आप लोगों को कहानी कैसा लगा और आप लोगों ने शब्दार्थ याद किया कि नहीं। ओके बाय।